सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं नई जो है वैकेंसी सी कह सकते हैं कि ये वैकेंसी एनएचएम उत्तर प्रदेश की तरफ से, और मैंने इतनी बड़ी वैकेंसी इस साल तो देखी नहीं थी। ठीक है, यानी कि 17,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं इस बार, और ANM स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की सभी वैकेंसीज है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सर अभी तक वीडियो नहीं आया, चूँकि नोटिफिकेशन तो हमारे पास काफ़ी टाइम पहले आ चुका था, लेकिन हमने कंप्लीट स्टडी की और जो है हमने पूरा प्रयास किया कि आप तक प्रत्येक जो है छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ में आ सके, इसलिए जो है वीडियो में थोड़ा सा विलंब हुआ। नहीं तो हम 4 घंटे पहले ही वीडियो डाल सकते थे। बहुत सारे लोगों ने डाल भी दिया, 2 मिनट में सब कुछ बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, और आपके करियर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, रिक्रूटमेंट फॉर 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, करियर अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर आ चुकी है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की, ऑल इंडिया की सभी वैकेंसीज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये PDF आपको पीजे लक्ष्य क्लासेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। PDF और फॉर्म भरने के लिंक दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करें या फिर टेलीग्राम पर जाके पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ ANM स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक अंडर NHM UP। ठीक है, NHM UP जो है इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, ANM स्टाफ नर्स वगैरह सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का नाम अलग, पोस्ट का नाम अलग, टोटल वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी है, और जो है सैलरी कितनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अच्छी बढ़िया सैलरी भी मिलेगी बहुत सारी वैकेंसीज में। सबसे पहले आती है NUHM के तहत स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जहाँ पर 684 टोटल जो है पोस्ट हैं, जहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। आप जो है अपने आप स्टडी कर लेना, मैं आपको टेलीग्राम में ये PDF दे दूंगा। पीजे लक्ष्य क्लासेज नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से उसको ज्वाइन करें। 19,101 रुपये सैलरी। उसके बाद वैकेंसी ANM की 807। मैं आपको सिर्फ नर्सिंग की वैकेंसी बताऊंगा, बाकी चीज़ें आपको दिख रही होगी। 807 पोस्ट है, जहाँ पर 10,915 रुपये सैलरी मिलेगी ANM की। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता वो भी बताऊँगा, क्या क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें बताऊँगा। फिर आती है DHSA, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो है सर्विसेज, उसके तहत स्टाफ नर्स की वैकेंसी 913 पोस्ट, 20,063 रुपये। उसके बाद स्टाफ नर्स जो है ICU यानी HDU की पोस्ट है, जहाँ पर 376 पोस्ट है, और यहाँ पर 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाली। फिर आती है स्टाफ नर्स ट्रॉमा सेंटर की वैकेंसी, 431 और पोस्ट हैं इसके अलावा भी यहाँ पर, जो जहाँ पर 18,190 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। फिर आ जाते हैं नीचे, स्टाफ नर्स की प्लान वैकेंसी है, 226 पोस्ट, यहाँ पर 20,063 रुपये और सैलरी यहाँ पर DHS के तहत। अब आते हैं मैटरनल हेल्थ को लेकर जो है पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की 185 पोस्ट, 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी। ANM की जो है 3634, 3634 पोस्ट है, 12,128 सैलरी। फिर जो है कम्युनिटी प्रोसेस में स्टाफ नर्स की 1737 पोस्ट है, और यहाँ पर जो है कम्युनिटी जो प्रोसेस की वैकेंसी की बात करें, 20,500 रुपये सैलरी, बढ़िया वैकेंसी है। फिर आती है RBSK के तहत, राष्ट्रीय बाल जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसके तहत स्टाफ नर्स की 17 पोस्ट है, 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी, और ANM की 401 पोस्ट है, जहाँ पर 12,500 रुपये सैलरी। फिर आती है चिल्ड्रन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ की तरफ से पीडियाट्रिक्स में 1847 पोस्ट की स्टाफ नर्स वैकेंसी, 20,500 रुपये पर मंथ सैलरी। फिर आती है जो है 15 फाइनेंस कमीशन की तरफ से स्टाफ नर्स अर्बन HWC जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अर्बन में, 847 पोस्ट, 20,500 रुपये सैलरी, और ANM अर्बन सेंटर जो है SWC है वहाँ पर 847 पोस्ट वहाँ पर भी है, ANM की 12,500 रुपये सैलरी। ठीक है दोस्तों, आराम से समझना, बहुत मजा आएगा, बढ़िया वैकेंसी है ये। अब है NCD के तहत वैकेंसी है स्टाफ नर्स NPHCE 295 पोस्ट, 20,000 रुपये सैलरी। फिर स्टाफ नर्स NPPC की तरफ से 48 पोस्ट, 20,000 रुपये सैलरी। फिर जो स्टाफ नर्स की NPCDCS की तरफ से जो है 290 पोस्ट, 18,000 सैलरी। फिर आते हैं ब्लड बैंक स्टाफ नर्स की, यहाँ पर 28 पोस्ट है, 20,057 रुपये सैलरी। टोटल पोस्ट हैं 17,291। ठीक है, अब आते हैं नीचे, नॉट जो है रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइड एज पर एप्लीकेशन रिजर्वेशन रूल जो है, कैंडिडेट नॉट हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश एज बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी खबर ये है, ओनली फीमेल कैंडिडेट ANM के लिए जो है ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगी, और इसके अलावा रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। ठीक है, तो ऑनलाइन सबमिट करते हो आप फॉर्म, उस टाइम जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट बिलोंग OBC नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड क्लेम बेनिफिट टू द सेम मस्ट बी प्रोवाइड देर OBC नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है।
इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट क्रीमी लेयर है, उनको जो है किसी प्रकार से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन जो शुरुआती डेट है आपके फॉर्म की, वो है 27 तारीख, यानी आज से फॉर्म कल से शुरू हो जाएंगे आपके 27/11/2022। लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2022 11:55, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 27/11 से लेकर 12/12 तक इसके फॉर्म चले जाएंगे, भरे जाएंगे। कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यानी आप केयरफुली इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जो है अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देते हैं वो एकदम सही परफेक्टली दें, कोविड के नियमों का पालन करें। इसके अलावा नीचे जो है और चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स है वो 33% रखे गए, ठीक है। ओबीसी के लिए ओनली 30% है कट ऑफ मार्क्स, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 24% आपको नंबर लाने हैं, 100 में से मात्र 24 नंबर आपको लाने होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम बीएससी नर्सिंग होनी अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर जो है किसी प्रकार से ये नहीं मांगा है कि जो नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है वो यूपी का होना चाहिए, किसी भी स्टेट का हो सकता है, ठीक है। 18 से 40 एज लिमिट है। फिर एएनएम होनी चाहिए आपके पास, एएनएम के लिए 18 से 40 उसमें भी एज लिमिट रखी गई। सिलेक्शन प्रोसेस है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा आपके, यानी यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, सीबीटी होगा, कोई इंटरव्यू या फिर ये जो परसेंटेज बेसिस वैकेंसी है नहीं, ठीक है। टेस्ट सिटीज़ की बात कर लेते हैं, कहाँ पर आपके टेस्ट होगा, तो उत्तर प्रदेश की जो मेजर सिटीज़ है ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ से जो है आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 नंबर का आपके होगा और नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे बड़ी खबर है कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। और भी यदि आप इस वैकेंसी से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं, एप्लीकेशन फीस आपकी लगने वाली नहीं है, सबसे बड़ी बात है कोई फीस नहीं है, आपको बिना किसी फीस के आप अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रही। दोस्तों अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देता हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वायरी कैंडिडेट मे कॉल हेल्पलाइन नंबर 02261306219 बिटवीन मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 5 PM। यहाँ पर जो है इसके अलावा मेल आई डी दे रखी है nhmuprecruitment@gmail.com पर आप जो है पूछ सकते हैं। अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.upnrhm.government.in, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो है फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप फॉर्म भर पाएंगे। ये है आपके ओबीसी के लिए जो रहता, मैं दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया मैं पूरी जानकारी दूंगा, कोई ऐसी फेक चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है ओबीसी का जो यूपी का प्रमाण पत्र है, क्योंकि अदर स्टेट से यदि आप ओबीसी है एससी है कुछ भी है तो आपको जो है सिर्फ एज ए अनरिजर्व लिया जाएगा, लेकिन यदि आप यूपी के हैं तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यूपी में जो भी बंदे हैं उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट इस प्रकार का बनाना होगा। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं और क्या चीज़ें हैं, ये जो है इस प्रकार से रहेगा, कार्यालय का नाम, सारी चीज़ें। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य, ये आपको पूरा भरना होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रूप में। और यहाँ पर जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंट पोस्ट है यहाँ पर बता रखी है, आगरा में 25, मैनीपुरी में 3, मथुरा में 10। इस प्रकार से आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पीजे लक्ष्य क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पे जाके पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसी है, कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट से कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, सभी वैकेंसीज के जो है अलग अलग यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो DHS में कितनी कौन सी जगह पे है, स्टाफ नर्स SDU की कितनी है, फार्मासिस्ट की कितनी है। तो गाइस बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन निकाला इन लोगों ने कि मतलब सारी चीज़ें एक साथ ही दे दी, यदि आप पढ़ लेंगे आराम से, हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए लेकिन आप आराम से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन, अबाउट नॉर्मलाइजेशन मीन एडजस्टिंग वैल्यूज मेजरिंग टू डिफरेंट स्केल ऑफ नेशनल कॉमन स्केल। इसके अलावा यहाँ पर जो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। तो गाइस कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। स्टाफ नर्स का यहाँ पर जो है सिलेबस दे रखा है, मिडवाइफरी है, कम्युनिटी है, फंडामेंटल है, मेडिकल सर्जिकल है, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्किल है, बेसिक एनाटॉमी है, न्यूट्रिशन है, फर्स्ट एड है, पीडियाट्रिक्स नर्सिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड मैनेजमेंट है, इसके अलावा जो है जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हम जो आपको तैयारी भी हम पीजे वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल हमारा पीजे वैकेंसी हब, आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी आप सर्च करें पीजे वैकेंसी हब, उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर हम जो है इस बड़ी भर्ती की ANM और स्टाफ नर्स की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें ताकि हम जो है हमारी मेहनत आप सब लोगों के लिए जो कर रहे हैं वो व्यर्थ न जाए, हमें भी जो है मोटिवेशन के साथ काम करने का जो है ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिले और एनर्जी के साथ काम करने का। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।